मत्स्य जीवी सहकारी समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि मछली का ठेका रद्द होने के बाद भी जीडीए के कर्मचारियों की संलिप्तता के चलते रामगढ़ ताल में अवैध ढंग से मछली पकड़ी जा रही है। मछली पकड़ने पर रोक लगनी चाहिए। सोमवार को कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे मछुआरों का कहना था कि पिछले 7 दिसंबर को मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड के मछली पकड़ने के ठेके को रद्द कर दिया गया है। उप निदेशक मत्स्य ने स्पष्ट कहा कि दूसरे नंबर की बोली लगाने वाले को मछली मारने की इजाजत दी जाए, इसके बाद भी अवैध तरीके से मछली पकड़ी जा रही है। मछुआरों का कहना है कि रामगढ़ताल झील के अगल बगल रहने वाले 300 परिवारों की जीविका का एकमात्र साधन मछली का शिकार करना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राजू निषाद ने कहा, ज्ञापन देना है, ज्ञापन तैयार है। राजू निषाद, रामगढ़ ताल के प्रकरण पे हम लोग धरना दिए थे। ताल जो है ठेका समाप्त हो चुका है और फिर भी अभी तक शिकार माई नहीं बंद हो रही थी। 7 दिसंबर को ही ठेका समाप्त हो गया था। जीडीओ के द्वारा ठेका समाप्त कर दिया गया, लेकिन मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड रामगढ़ तारा मंडल मनाट की जो समिति है, जो फर्जी साबित हो चुका है, अभी तक शिकार माई करवा रही थी, लेकिन अब पैसे के बल पे शिकार माई करवा रही थी, रोक नहीं रहा था। इसलिए हम लोग कमिश्नर महोदय के वहाँ धरना दिए हैं और कमिश्नर महोदय ने आश्वासन दिया है कि अभी से शिकार माई तत्काल बंद कराई जा रही है। और द्वितीय बोलीदाता के आधार पर हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं कि जो शेष समय बचा हुआ है वो हमारी समिति को दे दिया जाए, तो उस पर विचार विमर्श चल रहा है। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है।